डॉक्टर उषा गुप्ता गुप्ता हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम चला रही हूँ, जो कि हरगोबिंद नगर में स्थित है, फगवाड़ा में। और मेरी इनिशियल स्कूलिंग बॉम्बे से हुई थी। उसके बाद मैंने अपनी हाई स्कूल और एमबीबीएस की डिग्री हैदराबाद से की थी, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे कि मेरे पेरेंट्स रहते हैं। जो कॉलेज मेरा है, गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विच कम्स अंडर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी गिनी जाती है। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन लुधियाना में दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर रमा सोफत के अंडर की है। दैट वाज इन 1988 एंड ईयर 2000 में हमने अपना नर्सिंग होम खोला है, जो कि गुप्ता हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम के नाम से है, फगवाड़ा में। और एक्चुअली इनिशियली 10 बेडेड हॉस्पिटल हमने खोला था, उसके बाद इट स्लोली ग्रू टू 25 बेडेड हॉस्पिटल। गायनी ऑब्स्टेटिक्स में मैं जो टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहला टॉपिक है डिलीवरीज़ में हमारी कोशिश ये होती है कि जनरली हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करें, जिसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट जब लेबर में आए, एक्चुअल लेबर में आए, तभी उसे एडमिट किया जाए और पूरी तरह से होल हार्टेडली हम उसको इंड्यूस करके पूरी कोशिश होती है कि वो नॉर्मली वजाइनली डिलीवर करे। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जनरली पेशेंट्स डाइट के बारे में पूछते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई डाइट आप लिख के दो या कोई मेन्यू बना के दो, जो कि डिफ़िकल्ट होता है फॉलो करना। इसलिए हम पेशेंट्स को जनरलाइज्ड डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि पेशेंट शुड टेक लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल ग्रीन फूड, जो भी फ्रेंच बीन्स, कैरेट, पीज एंड ऑल दैट, पालक वगैरह, जिससे कि जो कि नॉर्मल डाइट में इजीली इंक्लूड किए जा सकते हैं। और जो प्रोटीन्स होते हैं, उसके लिए हम पेशेंट्स को दालें वगैरह लेने के लिए कहते हैं लार्ज क्वान्टिटी में। बाकी दूध और दूध से बनी हुई हर चीज़, जैसे मिल्क, कर्ड एंड पनीर, ये सारी चीज़ों पे हम स्ट्रेस करते हैं। जनरलाइज्ड डाइट देने से ये होता है कि पेशेंट ये नहीं करता कि भी स्पेशली उसके लिए बन रहा है, पेशेंट के लिए कुछ बन रहा है, जो कि डिफ़िकल्ट होता है 9 महीने तक फॉलो करना। इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट्स को नौजिया वॉमिटिंग की काफ़ी दिक्कत होती है, जिसके वजह से पेशेंट में टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं, वो आराम से हर चीज़ खा नहीं सकते। उसमें साथ के फैमिली मेम्बर्स को उसके साथ कोऑपरेट करने की बहुत ज़रूरत होती है। और डाइट में पेशेंट्स को जनरली फ्राइड एंड ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। और खाने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, खाना जो है काफ़ी देर तक स्टमक में पड़ा रहता है, वो नॉर्मल टाइम पीरियड में स्टमक से नीचे नहीं जाता, जिसके वजह से खाना प्यूट्रीफाई हो के और बदहजमी होने का डर होता है। इस कारण पेशेंट्स को 2 आवरली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेने के लिए कहा जाता है, जो कि ऑयली या फ्राइड ना हो। और जहाँ तक हो सके बाज़ार का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट को
गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको ठीक करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हमको देनी पड़ती है जैसे मेट्रोजिल वगैरह, जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इस तरह से जनरलाइज्ड डाइट विद ऑल फैमिली कोऑपरेशन के साथ पेशेंट के लिए अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना आसान हो जाता है। दूसरा, एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई बार पेशेंट्स जो होते हैं कि वो अपने आप को बेड रेस्ट पर डाल लेते हैं, अपने आप ही घर का सारा काम करना छोड़ देते हैं, जो कि रॉन्ग है। अनलेस देर इज़ अ रियल जेन्यून इंडिकेशन, पेशेंट को अपना रूटीन वर्क करना चाहिए, मगर हार्ड लेबर अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि कोई झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये सारी चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए। सिंपल घर का रूटीन वर्क वो आराम से आसानी से कर सकते हैं। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग या लॉन्ग आवर्स ऑफ हार्ड वर्क पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 घंटे सफिशिएंट रेस्ट लेनी चाहिए और जितना हो सके लेफ्ट पोजीशन में लेटना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन में लेटने से द यूट्राइन वेसल सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। बिकॉज ऑफ दैट बच्चे को जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो इम्प्रूव होने से बेबी की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट वी कम टू हिस्टेक्टमी। दूसरा जो हमारी इस फील्ड में आता है सब्जेक्ट वो है हिस्टेक्टमीज, जैसे कि जिनको एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या कोई फाइब्रॉइड यूट्रस है या कोई लार्ज ओवेरियन ट्यूमर्स है जिसके लिए हमको यूट्रस को निकालना पड़ता है, उसके लिए एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 से ऊपर की उम्र में हिस्टेक्टमी के बारे में सोचा जा सकता है, उसके पहले मोस्टली हम कंजर्वेटिवली ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हिस्टेक्टमी में हमारे पास 2 रूट से हिस्टेक्टमी की जाती है, एक तो अब्डोमिनल हिस्टेक्टमी जहाँ पे ऊपर से पेट खोलकर यूट्रस को निकाला जाता है, दूसरी वजाइनल हिस्टेक्टमी जहाँ पे प्रोलैप्स यूट्रस होता है, जो कि पिछले ज़माने में लोगों को पैरों भार बिठा के डिलीवरियाँ करवाई जाती थी काफ़ी प्रेशर लगवा के, उन केसेस में मोस्टली उनकी यूट्रस काफ़ी हद तक बाहर आ जाती थी जिसको प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। ऐसे केसेस में हम वजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं और आजकल नया ट्रेंड निकला नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेक्टमी, जिसमें यूट्रस अपनी नॉर्मल जगह पर है, वो प्रोलैप्स में नहीं है, फिर भी हम उसको बाय दिस नॉन डिसेंट वजाइनल हिस्टेक्टमी में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक है जिसके कारण हम यूट्रस को नीचे से पर वजाइनली निकाल सकते हैं और इसमें अब्डोमेन पे कोई स्कार नहीं पड़ता पेशेंट के। देन वी कम टू लैप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एंड ऑपरेटिंग लैप्रोस्कोपी होती है हमारे पास, जैसे कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमको ट्यूबल टेस्ट करना है या अंदर विजुलाइज करना है फॉर एनी एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे केसेस में जनरली हम लोग डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करते हैं। और ऑपरेटिव लैप्रोस्कोपी जहाँ पे कि ओवेरियन ट्यूमर से या कोई फाइब्रॉइड यूट्रस है जिसको हम लैप्रोस्कोप की मदद से निकाल भी सकते हैं, और भी कई बीमारियों में लैप्रोस्कोपी यूज़ की जा सकती है। और आजकल सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमटीपी किट। जो पेशेंट्स में प्रेगनेंसी होती है वो विदाउट मेडिकल सुपरविजन जो किट खा लेते हैं, विदाउट नॉलेज ऑफ हैविंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द किट, जो कि किसी भी केमिस्ट शॉप से अपनी मर्ज़ी से ख़रीद के ले आते हैं किट और खा लेते हैं, उनको एग्जैक्ट डोज का नहीं पता होता, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी में किट खानी है ये नहीं पता होता उनको और खा लेते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि क्लियर होने की जगह उनकी जो प्रेगनेंसी है वो डिस्ट्रॉय तो हो जाती है मगर पूरी तरह से बाहर नहीं आती और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है पेशेंट को, और कई बार इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट विद हाइपोटेंशन, इंक्रीज पल्स रेट एंड कोलैप्स्ड कंडीशन में भी हॉस्पिटल में पहुंचता है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स को ज़्यादा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, इमीडिएट DNC की ज़रूरत पड़ती है, तो पेशेंटों से गुजारिश है कि वो कभी भी किट अपनी मर्ज़ी से ना खाएं विदाउट डॉक्टर सुपरविजन, एंड अनऑथोराइज्ड पर्सन से भी MTP या DNC नहीं करानी चाहिए, जैसे जो लोग दाइयों से या अनऑथोराइज्ड लोगों से DNC करवा लेते हैं उसमें चांसेस ऑफ परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस, इन्फेक्शन, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी ऑटोक्लेव नहीं होते एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू डू MTP, क्योंकि डिलीवरी करना और सिजेरियन करना इज़ ईजियर दैन डूइंग एन MTP, क्योंकि वो एक ब्लाइंड प्रोसीजर है जहाँ पे आप अंदाजे से विद योर एक्सपर्टाइज ऑफ योर हैंड्स आप ये काम करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, इसलिए पेशेंट्स का पैसा भी बहुत खर्च हो जाता है जो अनऑथराइज तरीके से काम करवाते हैं, प्लस वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं। देन वी कम टू कॉन्ट्रासेप्शन।
बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए, जो कि आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्टिव स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। जनरली सिजेरियन हुआ है, आफ्टर 2 मंथ्स पेशेंट कम्स की जी प्रेगनेंसी हो गई है, आफ्टर 4 मंथ्स दे कम एंड प्रेगनेंसी हो गई है। सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एक तो प्रेगनेंसी तभी करो जब आप चाहते हो करना, अगर नहीं चाहते तब आपको कई मेथड्स है जो कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि मल्टी लोड इंसर्शन है, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, या बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है। इन सब तरीकों में सबसे बेस्ट है कॉपर टी और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि पेशेंट को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए। देन वी कम टू वाइट डिस्चार्ज पीवी। डिस्चार्ज पीवी के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कईयों में मोनिलियल इन्फेक्शन से कर्डी डिस्चार्ज होता है, कईयों में ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से वजाइनल इचिंग काफ़ी होती है। ऐसे पेशेंट्स को हम जनरली कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, मगर कईयों के जो सर्विक्स है उस पर सर्वाइकल इरोजन होता है, जो कि रेडनेस ऑफ द सर्वाइकल लिप्स, जिसको ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होता पूरी तरह मेडिकल ट्रीटमेंट से। ऐसे केसेस में मैं क्रायोकॉटरी करती हूँ, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जो ले पेशेंट्स के लिए इसको ठंडी बिजली कहते हैं। सो मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ 2 मिनट्स के लिए क्रायोकॉटरी लगाने से सर्वाइकल लिप पे जो सर्वाइकल इरोजन है वो हील कर जाता है, और पेशेंट की जो डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। सो इसके लिए भी वी हैव द फैसिलिटी। देन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं वो कई जगहों पर घूम कर आते हैं, उनको एग्जैक्टली डेज ऑफ कंसेप्शन नहीं पता होता कि किन दिनों में प्रेगनेंसी होती है। सो जनरली वो रॉन्ग डेज में ट्राई करते हैं एंड दे डोंट गेट प्रेगनेंट। सो ऐसे पेशेंट्स को जनरली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो सीमेन एग्जामिनेशन में स्पर्म काउंट शुड बी राइट, देन ट्यूबल पेटेंसी शुड बी देयर, एंड तीसरा है ओवुलेशन। सो इन पेशेंट्स को हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हुए इनकी ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, और पेशेंट को गाइड करते हैं कि डेज ऑफ फर्टिलिटी कौन से हैं और किन दिनों में दे आर गोइंग टू कंसीव। सो प्रेगनेंसी रेट काफ़ी है सिंपल ट्रीटमेंट से, और अगर जब नहीं होती है सिंपल ट्रीटमेंट से देन वी गो इन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी। हर पेशेंट को हॉस्पिटल डिलीवरी करानी बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट में करो या जनरल हॉस्पिटल में करवाओ, बट हॉस्पिटल डिलीवरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। घर में डिलीवरी करवाना या दाइयों से या अनऑथराइज्ड लोगों से डिलीवरी करवाना अपनी जान को भी जोखिम में डालना है और बच्चे की जान को भी रिस्क में डालना होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी करते करते कई बार इस तरह होता है कि नॉर्मली बेबी डिलीवर नहीं होता एंड इमीडिएटली सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे केसेस में हॉस्पिटल में सारा इंतज़ाम होता है, सारी फैसिलिटीज़ है, मोर ओवर हमारा लेबर रूम और जो ऑपरेशन थिएटर है दे आर इंटरकनेक्टेड, सो दैट अगर पेशेंट नॉर्मली डिलीवर होने में दिक्कत आ रही है और पॉसिबल नहीं है डिलीवर होना, इमीडिएटली वी कैन शिफ्ट द पेशेंट टू ऑपरेशन थिएटर एंड टेक इन फॉर सिजेरियन सेक्शन। सो पेशेंट से रिक्वेस्ट है कि कभी भी घर में या हॉस्पिटल में सिजेरियन के डर से कई लोग घर में डिलीवरीज करवाते हैं या दाइयों के पास चले जाते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की काम होता है। इस तरह से हमारे नर्सिंग होम में सारे जितना भी काम एथिकल वर्क कर हम पूरी तरह से एथिकल वर्क करते हैं, प्लस इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी भी इंक्लूडेड है क्योंकि मेरे हस्बैंड जनरल सर्जन है, साथ में यूरोलॉजी एंड प्लास्टिक सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑल दिस थिंग्स आर अंडर वन रूफ। सो वी आर ट्राइंग टू गिव ऑल द फैसिलिटीज टू द पेशेंट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है फाइनेंस। जो पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही पुअर है, उन पेशेंट्स को जनरली सिविल हॉस्पिटल में अगर वो नहीं जाना चाहते और प्राइवेट में आते हैं, वो इस डर से नहीं आते कि उनका पैसा बहुत खर्च होगा। सो गुप्ता हॉस्पिटल की ये खासियत है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि गरीब पेशेंट को बहुत ही कम या नॉमिनल चार्जेस में ट्रीट करें, ताकि पेशेंट सेटिस्फाई होके जाए और उसकी ट्रीटमेंट 101% करनी है हमने, साथ में जितनी हो सके उसको मेडिकल हेल्प दवाइयों से या जो भी हमारे से हो सके विद मॉरल सपोर्ट एंड मेडिकल हेल्प, सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं। एंड समटाइम्स फ्री में भी करना पड़ता है केस, दैट ऑल्सो वी डोंट माइंड, क्योंकि ये सेवा का केंद्र है जहाँ पे आप पेशेंट की खाली ट्रीटमेंट के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जो भी पेशेंट यहाँ आया वो 100% आपकी सर्विसेज के साथ सेटिस्फाई होके जाए, चाहे वो वॉट एवर इट इज़। ठीक है,
सो इस तरह से मैं पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जो पॉइंट्स मैंने कहे हैं आज, उन सब पे ध्यान दें और अपने जो भी डिजीज़ेस है या जो प्रेगनेंसी है या जो भी है उसको हॉस्पिटल के गाइडेंस के बगैर उसको ना आगे क्यों लेके जाएं। थैंक यू।